तो देखा आपने, अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मैं मेरी प्यारी भाजी को बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी माय भाजी, मैं आपको कल मिलूंगी, आप प्लीज बिल्कुल बुरा मत मानिए। और मैं इनको सॉरी क्यों बोल रही हूँ ये आप देखेंगे फ्लैशबैक में। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30, तारीख है 15 जनवरी 2021 और हम बस निकल पड़े हैं। कहाँ निकल पड़े हैं मुझे भी नहीं पता। रोहन को छोटा सा काम था, उसने बोला चल श्रेया ऑफिस का काम खत्म हो गया है, एक राइड पे चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ बहुत होप के साथ कि वो मुझे स्टारबक्स की एक कॉफी पिला दे पर मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल। तुझे स्टारबक्स की पिलाऊं या ना पिलाऊं, लेकिन आज तुझे मैं कुछ ना कुछ अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा जरूर। खिलाऊंगा घर का खाना, पाव भाजी बना के आई मीन भाजी मैं बना के आई हूँ। और हमने प्लान किया था कि घर जाके खाना खा लेंगे, बट अभी क्यों तुझे बाहर खाने की इच्छा लग रही है? मुझे मेरा कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि आज मैं स्किप कर देता हूँ। ओके दैट वी विल सी, आप बने रहिए क्योंकि हर रोज रोहन 8:30 बजे यही बात करता है और फिर बाद में 9:30 बजे उसको भूख लगती है और कुछ ना कुछ तो हम खाते ही हैं। तो हम लोग जब बड़ौदा में थे, हम लोग 14-15 को यूजुअली छत पे रहा करते थे और पतंग चढ़ाया करते थे, लेकिन बॉम्बे में काइट फेस्टिवल का कुछ खास इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे लगता ही नहीं है कि काइट फेस्टिवल, या मैं उत्तरायण बोलूँ तो उत्तरायण जैसा कुछ लगता नहीं है बॉम्बे में। बात कर ले थोड़ा सा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ पतंग उड़ाना। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं रोहन के घर पहुंची रहती थी कॉलेज डेज में काइट फेस्टिवल के टाइम पे, और रोहन के फ्रेंड्स आए रहते थे स्कूल के, हम बहुत मजा करते थे। मेरे लिए तो फेस्टिवल्स मतलब फैमिली, जैसे मैंने हमेशा हमारे सारे व्लॉग्स में बताया है। तो अगर फैमिली नहीं है तो मेरे लिए ऑफकोर्स रोहन इज माई नियरेस्ट फैमिली, इज एवरीथिंग, आई लव हिम, आई जस्ट लव हिम। अच्छी मजा आती है अगर सब लोग साथ में होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे सारे फेस्टिवल एक एक करके कम होते जा रहे हैं और ये चीज अच्छी नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। 21-22 साल की थी और मैं बड़ौदा में रहती थी तो मैं वो झाड़ू पकड़ के पतंग पकड़ती थी, मुझे इतना क्रेज था। और ये बात मुझे पता ही नहीं गई है, अगर मैंने देख लिया होता तो शायद इस गाड़ी की सीट पे कोई और। अच्छा नहीं, सॉरी, गाड़ी की सीट पे यानी कि ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा होता, कहने का मतलब ये है, मतलब तुझे बिठा देता मैं। डोंट मेक अप, तो रोहन कार साइड में लगा के गया है अपने काम के लिए, उसको 2-5 मिनट का काम है बस, किसी से मिलना है फॉर सम रीजन, और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ। एंड हम दोनों एक्चुअली व्लॉग में बात करते करते और ज्यादा सैड हो गए हैं कि हम उत्तरायण में हमने कुछ किया ही नहीं, पतंग उड़ाना तो छोड़ो, यहाँ पे तो छत पे कोई जाता भी नहीं है, इनफैक्ट हमने पूरे रास्ते में पतंग की कोई दुकान भी नहीं देखी है। तो वी आर मिसिंग, अभी तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं स्टारबक्स में कॉफ़ी के साथ एक पेस्ट्री भी खाऊंगी, लेट मी सी हाउ ही रिएक्ट्स। तो रोहन जब तू काम करने गया था तब मैं बता रही थी कि सबको कि तू, हम लोग सच में बहुत सैड हैं, तो अब मुझे स्टारबक्स में मैं तो कुछ ज़्यादा ही सैड हो गया। हाँ तो अब मुझे ना कॉफ़ी के साथ एक पेस्ट्री भी खानी है। ए, मैं क्या, तुझे खिलाऊंगा, वो तुझे एक सरप्राइज दूंगा। ठीक है तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है अमिताभ बच्चन जी का पहला वाला घर, अभी वो यहाँ पे नहीं रहते हैं और इसका नाम है प्रतीक्षा। और अब रोहन हमें बताएगा कि वो हमें यहाँ कहाँ ले आया। यार रोहन मैं तो स्टारबक्स की कॉफी पीना चाह रही थी। देखो मैं उससे भी अच्छी जगह ले जा रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है पृथ्वी कैफे। दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी कि रोहन मुझे इतनी दूर ले आया है पृथ्वी कैफे में, मैं पहली बार आई हूँ पृथ्वी कैफे में, अभी जाके देखते हैं। अभी जा रही हूँ क्या, अभी हम रोकेंगे गाड़ी, फिर हमको पता चलेगा कि यहाँ पे बैठने की जगह है या नहीं है। या ऑल दैट इज देयर, लेट्स सी।
What have you ordered? This is Amritsari aloo kulcha and chole. रोहन अपनी फिल्टर कॉफी एंजॉय करते हुए always fun, loving it. Very good, too good. तेरे स्टारबक्स से बेटर है ना? No comparison, just no comparison. Thumbs up या thumbs down? Two thumbs up. Wait. Two hours later. हमें खाने में बहुत मजा आई. मतलब मैंने तो बहुत ही कम खाया लेकिन इसने ज्यादा खाया. श्रेया अब मैं देखो बोला था, देखो मैंने प्रॉमिस किया था. क्या ज्यादा खाया? तो मैंने इसे प्रॉमिस. अच्छा ओ सॉरी, वो तो लिया नहीं है तो पता नहीं चलेगा. मैंने कुछ नहीं खाया है, सब रोहन ने दबाया है. पूरा पराठा रोहन ने दबाया है. मैंने फिल्टर कॉफी पी है खाली और मेरा सोडा भी पिया है. एनीवे अब देखो मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं देखो स्टारबक्स से बेटर जगह पर लेके जाके या अच्छा खिलाऊंगा, तो वो प्रॉमिस पूरा हुआ और मैंने देखो बहुत अच्छी जगह खिलाया. अग्री डिसएग्री? अग्री 100% अग्री. वेल आई वुड से पर्सनली मैंने बॉम्बे में अभी तक इतना अच्छा खाना, इतना सस्ता खाना विद सच एन अमेजिंग क्राउड कहीं पे भी नहीं खाया है. यू गाइज वोंट बिलीव बट हमने तीन चीजें खाई और सिर्फ 300 रुपए बिल आया है. मतलब ऑन एन एवरेज 100 रुपए की एक चीज आज के जमाने में कहां मिलती है यार. तो आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में जल्दी. या टिल देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज श्रेयाज ब्लॉग एंड रेसिपी. नींद आ रही है बहुत ज्यादा.